Well, congratulations. और बहुत जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है. Well then, that's double congratulations. You know, आनंद अभी तुमसे प्यार करता है. तो उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक मेरी है रत्ना? उसके लिए कहाँ तक मुझे जिम्मेदार ठहराओगी? मैं एक इंसान हूँ, मुझसे किसी को भी प्यार हो सकता है. उसकी सजा मुझे क्यों मिले? नहीं भैया, आनंद और तुम्हारा रिश्ता कोई भी रिश्ता नहीं था. तुम हस्बैंड और वाइफ थे. अब तक डिवोर्स नहीं हुआ है रत्ना. आई नो. देखो रत्ना, अगर आनंद मुझसे प्यार करता है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं. हो सके तो उससे दूर रहो प्लीज. रत्ना, हो सके तो उसे मुझसे दूर रखो. और मैं क्या कहूँ भैया? मैं देखो रत्ना, जब मैंने आनंद को प्यार किया तो उसे पूरी आज़ादी दी, खुला आसमान दिया, ऊंची उड़ान दी. कभी भी किसी डर में या इनसिक्योरिटी में नहीं जिया. इनसिक्योरिटी तो तब आई जब तुम उसकी जिंदगी में आए. मैं झूठ क्यों कहूँ, मैं भी इंसान हूँ. मैंने आनंद को बहुत प्यार किया और उसे मुझसे दूर होता मैं नहीं देख सकती थी. मैं उसे खो नहीं सकती थी, लेकिन मैंने उसे खो दिया, चाहे वो भी मेरा ही फैसला क्यों ना हुआ हो. जानती हो रत्ना, जब भी आनंद फोन पे बात करता था किसी से भी, तो मुझे लगता था वो तुमसे बात कर रहा है. और जब भी वो कहीं जाता, कहीं भी, मुझे लगता कि वो तुमसे मिलने गया है. बहुत बुरा दौर था वो मेरी जिंदगी का, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा रिश्ता वहां आकर ठहरा. और शायद मुझे तुमसे ये कहना नहीं चाहिए रत्ना, पर तुम्हारा रिश्ता उसी मुकाम से शुरू हो रहा है. आनंद जब भी कुछ भी करेगा, कहीं भी जाएगा, किसी से भी बात करेगा, तो तुम्हें लगेगा कि वो पिया से बात कर रहा है, पिया से मिलने गया है, पिया के पास है वो. ये तुम्हारे लिए उम्र भर की सजा है रत्ना, और रहेगी. जानती हो, आई विल ऑलवेज बी सेकेंड बेस्ट फॉर आनंद. दैट्स बैड रत्ना. डोंट वरी, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है. बिकॉज वेदर और नॉट यूर एंगेज टू आनंद, तुम्हारे और आनंद की शादी हो या ना हो, लेकिन मेरा अब आनंद से कोई लेना देना नहीं है.